आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर। इन्वर्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इससे पहले क्लास में लोग पढ़े थे रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता हुई इन्वर्टर सर्किट डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करता है। हम जानते हैं जैसे ही एसी सप्लाई की आपूर्ति बंद हो जाता है उस वक्त हम इमरजेंसी सोर्स के रूप में बैटरी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एसी को तो स्टोर किया जा सकता नहीं, डीसी को ही हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ही सप्लाई कटा तो हम बैटरी का प्रयोग करते हैं, और बैटरी का अगर हम रेंज की बात करें 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट में बैटरी मार्केट में उपलब्ध होती है। इसी वोल्ट के रेंज को हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर सर्किट के द्वारा एसी में कन्वर्ट करते हैं अप टू 230 या 220 वोल्ट में एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का प्रचलन है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टर सर्किट के द्वारा 6, 12 या 24 वोल्ट को 220 या 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्टर इट इज अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इट इज अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट जिसे हम लोग डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। जिसे हम एसी कहते हैं एट गिवन फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है और एसी में फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम लोग डीसी टू डायरेक्ट करंट टू एक अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मतलब है एसी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक कंट्री के हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। मतलब इन्वर्टर क्या करेगा, जो भी 6 वोल्ट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट को 220 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ 50 टू 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। द आउटपुट ऑफ बैटरी 6 वोल्ट 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, ये जो बैटरी का आउटपुट है 6 वोल्ट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, इसको हम लोग इन्वर्टर सर्किट के द्वारा 230 वोल्ट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। दिस वोल्टेज इज कन्वर्टेड अप टू 220 वोल्ट 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बाय यूजिंग इन्वर्टर सर्किट। अगर इन्वर्टर का हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएं, इन्वर्टर का अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएं, तो सबसे पहले हम लोग को बैटरी का जरूरत पड़ेगा, जो कि बैटरी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका ब्लॉक डायग्राम भी बनाते हैं।
सबसे पहले स्टोरेज बैटरी, जहां पर हम लोग चार्ज को स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद ओसिलेटर सर्किट के द्वारा हम लोग एसी में कन्वर्ट कर देंगे। साथ ही साथ इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होगा 50 हर्ट्ज। ओसिलेटर से जैसे इसको गुजारेंगे, इसमें 50 हर्ट्ज प्लस अल्टरनेटिंग नेचर का यहां से सप्लाई आउटपुट निकलेगा। इसके बाद हम लोग इसके आउटपुट से को जोड़ देंगे वोल्टेज एम्पलीफायर में। फिफ्टी हर्ट्ज ओसिलेटर के आउटपुट में हमें वोल्टेज प्लस 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। ये सप्लाई को हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर से जैसे ही गुजारेंगे तो वोल्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट से 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग और एक सर्किट का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है पावर एम्पलीफायर। अब पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, वोल्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट से हमें 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का आउटपुट मिलेगा। इसको हम लोग पावर एम्पलीफायर में जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, इसके जो करंट है करंट को एम्पलीफाई करके फर्दर आगे भेज देगा। तो इस प्रकार से एक इन्वर्टर काम करता है। इसमें अलग अलग ब्लॉक होता है, ये समझने के लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉक बनाया। जब इसका कंप्लीट स्टडी करेंगे तो एक एक हम लोग ब्लॉक का और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अगर हम लोग बात करें ऐसे इन्वर्टर का एप्लीकेशन, इन्वर्टर का प्रयोग अनेकों जगहों में किया जाता है, क्योंकि इन्वर्टर सर्किट डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। इसीलिए जो UPS होता है या फिर SMPS, इसके आउटपुट से भी ऐसे ही निकलता है, जिसका प्रयोग हम लोग स्टैंड वाइज सोर्स के लिए करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रयोग UPS में भी किया जाता है। UPS का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दूसरा SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। तीसरा इसका प्रयोग इंडक्शन हीटिंग में भी किया जाता है, इसके बाद जो हाई वोल्टेज DC पावर ट्रांसमिशन है उसमें भी इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। HVDC पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज DC का पावर ट्रांसमिशन के लिए भी इन्वर्टर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इन सोलर पावर सिस्टम, जो सोलर सेल का या फिर सोलर सिस्टम का जो आउटपुट होता है उसका नेचर होता है DC। उस DC को हम लोग अगर हाउस के लिए यूज करना चाहते हैं या फिर कोई भी अल्टरनेटिंग नेचर का जो डिवाइस होता है उसके लिए अगर हम लोग प्रयोग करना चाहेंगे तो इस DC को AC में बदलने की जरूरत पड़ता है। तो इसे हम इन्वर्टर के द्वारा इस DC सप्लाई को AC सप्लाई में बदल सकते हैं। इन सोलर पावर सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
और जो रेफ्रिजरेटरी कंप्रेसर होता है इसमें भी इन्वर्टर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग बात करें इन्वर्टर का टाइप्स, तो इन्वर्टर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक सिंगल फेज इन्वर्टर और दूसरा थ्री फेज इन्वर्टर। टाइप्स ऑफ इन्वर्टर, इसके दो टाइप्स होता है, पहला सिंगल फेज। सिंगल फेज मतलब इसमें एक फेज, इसमें एक लाइट वायर रहता है और एक न्यूट्रल रहता है, और दूसरा थ्री फेज। थ्री फेज में थ्री फेज रहता है जिसमें कि तीन लाइट वायर होता है, एक का नाम है आर, दूसरे का नाम है वाई और तीसरे का नाम है पी।